सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेई एडवांस के बारे में। तो इस वीडियो में पार्टिकुलरली मैथ्स के बारे में बात करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं पार्टिकुलर चैप्टर के। मान लो एक चैप्टर बता दिया, उसके कौन से टॉपिक्स पढ़ लोगे आप तो आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ने का कोई जरूरत है नहीं। तो इसमें अपन पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट चैप्टर अपने पास वेक्टर एंड थ्रीडी, ठीक है। वेक्टर एंड थ्रीडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि यहाँ से 4+ क्वेश्चन हैं, ठीक है। वेक्टर एंड थ्रीडी मिला के 4+ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। मैं अगर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, तो दोनों पेपर मिला के बात कर रहा हूँ, लाइक 18 अगर मैं मान लूँ क्वेश्चन मैथ्स के पार्टिकुलरली फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर मिला के, तो 36 हो जाते हैं। 36 में से 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। एंड वेक्टर एंड थ्रीडी से क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं टॉपिक बता देता हूँ। क्वेश्चन जैसे कि दो लाइंस एक थर्ड लाइन पे जा रही है, ठीक है, लाइक इंटरसेक्ट कर रही है थर्ड लाइन को, एंड प्लेन्स एंड लाइन्स का लाइक इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह। तो ये सारी क्वेश्चन जो है ना, ये तुम अच्छे से कर लेना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह आनी चाहिए तुम्हें, बाकी इससे ज़्यादा कुछ कहीं नहीं आता। हाँ, ये भी आ सकता है लाइक दो प्लेन का इंटरसेक्शन हो रहा है तो थर्ड प्लेन वगैरह उससे जाएगी तो उसका क्या इक्वेशन होगा, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आ सकती है। तो तुम्हें पता है फैमिली ऑफ प्लेन से निकल जाएंगी। तो वेक्टर एंड थ्रीडी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर होता है, लाइक मतलब स्कोरिंग, इससे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर ना मैथ में है ही नहीं जे एडवांस के लिए। और जे एडवांस में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से देखना पूरे वीडियो को, ठीक है। सेकेंड चैप्टर अपने पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगेन काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर होता है, बहुत लोगों को नहीं आता क्योंकि थोड़ा इसमें दिमाग लगाना होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कहाँ से आता है, प्रोबेबिलिटी में मेनली क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम से, ठीक है। बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड वेन डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। लाइक तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना जिसमें तुम वेन डायग्राम बनाओगे तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना। और इससे प्रोबेबिलिटी से कम 3 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 3 क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम का जहाँ बात कर रहा हूँ ना, मिनिमम 3 क्वेश्चन है, दोनों पेपर मिला के उससे ज़्यादा आ सकते हैं। तो 36 में अभी तक हमने 7 क्वेश्चन तो कवर कर लिए, ठीक है, 4 फैक्टर एंड थ्रीडी के, 3 प्रोबेबिलिटी के। तो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हमारे पास कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन अगेन एक चैप्टर नहीं है, पूरा का पूरा लाइक क्या ही बोलूँ, पूरा एक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है जिसमें मैं सर्कल को रख रहा हूँ, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, यही 4 चैप्टर्स को रख रहा हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन को नहीं रख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, लाइक जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन का यूज आएगा बट वो सर्कल में आ जाएगा या फिर पैराबोला में, इलिप्स हाइपरबोला में। अगेन कॉनिक सेक्शन पर अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे कॉनिक सेक्शन से मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हैं दोनों पेपर मिला के, लाइक 5+ क्वेश्चन ही आएंगे, ये चारों चैप्टर मिला के बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि कभी सर्कल से क्वेश्चन आएगा तो पैराबोला से नहीं आएगा, इलिप्स से आ जाएगा, हाइपरबोला, लाइक किसी चैप्टर से आएगा किसी चैप्टर से नहीं आएगा, टोटली कॉनिक सेक्शन से 5 क्वेश्चन फिक्स है। इन लाइक ये कॉनिक सेक्शन का सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, लाइक सर्कल तो पूरा अलग चैप्टर है, पैराबोला पूरा अलग चैप्टर है, बट इलिप्स और हाइपरबोला ना दोनों सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। एंड क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, टेंजेंट निकलवा लेंगे तुमसे, नॉर्मल निकलवा लेंगे, यही सारी चीज़ें होती है। अगर टेंजेंट नॉर्मल वगैरह के एसिम्प्टोट्स वगैरह पता हो तुम्हें तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी ऑक्सिलरी सर्कल से आगे कुछ है ही नहीं, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है एक सेक्शन कॉनिक सेक्शन। मान लो किसी बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना कॉनिक सेक्शन में, वो भी 2 दिन में पूरी कॉनिक सेक्शन ख़त्म कर सकता है, 2-3 दिन में उसकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। एंड जिसको रिवीजन करना है उसके लिए तो 1 दिन काफ़ी है, और जे एडवांस के क्वेश्चन वगैरह करने के लिए 1 और दिन, तो 2 दिन में तुम्हारा ये पूरा पार्ट हो जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन तुम कवर कर सकते हो। तो अपन 12 क्वेश्चन का तक का देख लिए, ठीक है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक्स। थैंक यू। सो गाइज, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फिलो। नेक्स्ट है अपने पास डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस।
तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस कैसा है ना कि बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होता है, खास करके बोलूँ डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, तुमसे ट्रेवल सोल्यूशन निकलवा लेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन पूछ लेंगे, नो सोल्यूशन वगैरह का, वही केसेस में उलझा के रखेंगे बस। मैट्राइसिस का जहाँ आता है तो मैट्राइसिस में चीज़ें यूज हो सकती है, ठीक है, मैंने देखा हुआ है 2019 के अंदर चार क्वेश्चन बस एक ही चैप्टर से आया हुआ था मैट्राइसिस से, एंड उस चार क्वेश्चन में बस यही था, लाइक बाइनोमियल वगैरह यूज करा था उन्होंने एंड थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें जो कि ज़्यादा ब्रेन ड्रेन करती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था लिटरली। मतलब बाइनोमियल थोड़ा बहुत किसी को आता होगा ना तो वो क्वेश्चन कर लेता है, ऐसा ऐसा था वो, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैट्राइसिस बहुत पहले नहीं पूछा जाता था, 2008-2006 तक नहीं पूछा जाता था, लेकिन उसके बाद जब पूछा जाने लगा ना 2014-15-16 लाइक बढ़ते जा रहा है इसका लाइक पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है एग्जामिनेशन में, तो मैं बोलूँगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो अपन अभी तक 15 क्वेश्चन तक पहुंच चुके, लाइक 36 में 15 क्वेश्चन तो अपने हो सकते हैं अगर बस इन्हीं चैप्टर्स को कर ले तो। नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोल सकते हो, बट एग्जाम में ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत कम ही पूछा जाता है, लाइक उसमें आंसर क्या हो किसको पता है, लाइक मान लो तुम एक मेथड से किए तो तुम्हारा अलग आंसर आ गया, जो लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर किए होंगे ना लाइक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उनको पता होगा कि आंसर उसमें वेरीज करती है, ठीक है, तुम्हारी आंसर अलग हो सकती है, उस बंदे की आंसर अलग हो सकती है, तो ये सब चीज़ को हटाने के लिए वो इंटीग्रेशन करवा लेंगे एंड बाद में वैल्यू पूछ लेंगे, वही डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो उससे दो क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स है दोनों पेपर में। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट पेपर में भी पूछते हैं एक क्वेश्चन और सेकंड पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर कोई से भी पेपर में दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट पूछेंगे वो, दो क्वेश्चन फिक्स है। इंटीग्रेशन मैं बोलूँगा कि ईजी तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि तुम उसे पूरी तरह से छोड़ के जाओ, ठीक है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना तो उसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, प्रीवियस वगैरह देख लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर जाना कि नहीं नहीं इजी क्वेश्चन आएगा, एंड क्वेश्चन आए तो उसे करने का ट्राई करना, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर दे देंगे वो लोग तो एक और चीज़ आता है, अगर ऑप्शन वाले रहेंगे तो ऑप्शन से लोग बाग उधर पहुँच जाएंगे, लाइक ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ना, इंटीग्रेट करके जो ऑप्शन आ रहा है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्वेश्चन आना चाहिए, तो ये सीन भी हो जाता है, तो ऐसा इसलिए वो लोग नहीं देते। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास एओडी, एओडी से दो क्वेश्चन फिक्स है, अगेन एओडी बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, मतलब लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि एओडी बहुत हार्ड होता है और ये होता है वो होता है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता, एओडी से इजी चैप्टर है ही नहीं पूरे कैलकुलस में। तुम्हें फंक्शन हार्ड लग सकता है एक बारी को, लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हार्ड लग सकता है, बट ये बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। इसमें दो चैप्टर है, मिनिमम मैक्सिमम मोनोटोनिसिटी, ठीक है, एंड दोनों चैप्टर इतने ज़्यादा इजी हैं। मोनोटोनिसिटी में क्या ही करना, बस डिफ्रेंशिएट करना है, मिनिमम मैक्सिमम में क्या करना, बस डिफ्रेंशिएट करना है, बट मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा सा ध्यान लगा के डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह का ध्यान रखना होता है, बाकी रोल्स थ्योरम वगैरह इंपॉर्टेंट रहेंगे मिनिमम मैक्सिमम में, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन से दो क्वेश्चन हुआ, तो चार क्वेश्चन तुम और ऐड कर सकते हो 15 में, जो कि 19 हो जाता है, ठीक है, तो 19 क्वेश्चन अगर किसी के रेंज में रहे तो काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन एंड AUC, डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जे एडवांस में, एंड हार्ड भी होता है, ठीक है, ये मैं बोलूँगा हार्ड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा है ना कभी इजी आ गया कभी हार्ड आ गया, ऐसा नहीं कि हमेशा हार्ड ही आता है, बट वो पेपर पे पूरी डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन ही आता है हमेशा, बट एरिया अंडर कर्व फिर वही हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज करके इक्वेशन निकालना होगा एंड फिर उसकी एरिया निकालनी होगी, तो इसलिए मैं दोनों को साथ रख रहा हूँ। एंड यहाँ से आता है तीन क्वेश्चन, तो तीन क्वेश्चन सोचो, एक लाइक बस एक अकेला चैप्टर तुम्हें पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एरिया तो ऐसे निकलेगा ना इंटीग्रेट करके, बट वो इक्वेशन तो तुम्हारे पास आनी चाहिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आएगी, तो तीन क्वेश्चन बस तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने से आ रहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। तो हमारे पास क्वेश्चंस का लाइक जो नंबर है वो 22 हो चुका है, 36 लाइक 22 आउट ऑफ 36, तो 22 अगर तुम्हारा रेंज है ना तुम काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो, एंड ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो 10 दिन में हो जाएंगे अगर तुम सही से मेहनत कर लो तो, क्योंकि ज़्यादा मैंने बताया नहीं इसमें। अभी मैं बात करता हूँ कि और भी चैप्टर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज से एक क्वेश्चन आएगा, PNC से दो क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से दो क्वेश्चन आएंगे, एंड ऐसे करके बाकी सारे लाइक SOT से, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह से एक एक क्वेश्चन आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो तुम लिखते जाना, ठीक है, एक पेपर बनाना
एक पेपर लेना, उस पर सारे चार्ट वगैरह बना लेना कि हाँ यहाँ से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड ये इंपॉर्टेंट है, इस ये टॉपिक पढ़ना होगा मेरे को पार्टिकुलरली। देखो मैं इन सारे चैप्टर्स की बात क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, पीएनसी अगेन एक हार्ड चैप्टर होता है, कहाँ से क्या पूछ ले उनमें, उसमें कोई लाइक पता नहीं होता अपने को। क्वालिटी के क्वेश्चन उतना हार्ड तो नहीं है, इजी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, तो मैं उसको काउंट भी नहीं कर रहा। सीक्वेंस एंड सीरीज अगेन इजी चैप्टर, जहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, बट एक पूरा चैप्टर है ना वो, इसलिए मैं उसको इस तरीके से काउंट नहीं कर रहा कि लाइक थोड़े से पढ़ने पर ज़्यादा मार्क्स आ जाए, ठीक है। बट उसको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमसे क्वेश्चन होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन होंगे, क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, पीएनसी की मैं गारंटी नहीं लग सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है वो, कॉम्प्लेक्स लाइक मैं क्या ही बोलूँ, उसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है लिटरली। मेरी क्या स्ट्रेटजी थी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर, ठीक है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि लाइक मेरी मैथ तो सही थी, मैथ मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, तो मैं कॉम्प्लेक्स में क्या करता था, मैं ये सोच के जाता था कि अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में लोकस से सवाल आ गया, लाइक सर्कल का लोकस पूछ ले वो लोग, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला या फिर कोई सा भी रैंडम लोकस पूछ ले, तो वो सवाल मेरे से गलत नहीं होना चाहिए, मैं बस जो भी जेड होता था उसको एक्स प्लस आयोटा भी मानता था एंड उसके बाद प्रोसीड कर देता था। हमेशा क्वेश्चन बनता है इससे, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मानने से, बाकी तुम उसमें कुछ भी लगाओ लाइक, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेड प्लस, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मानना, उससे बहुत सारे लोकस के सवाल बन जाते हैं। लोकस पूछा है तो जेड इजल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वो तुम्हें बता रहा है कि हाँ तुम यही लगाओ, तो मैं यही लगाता था एंड बाकी अगर मेरे रेंज का क्वेश्चन हुआ तो होता था, नहीं हुआ मेरे रेंज का तो उसको छोड़ना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे तुम ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है ना जो तुमसे टाइम मांगता है कि हाँ मेरे को टाइम दो, तो उसमें यही बेटर रहेगा कि तुम भी अपना रेंज बना लो कि हाँ अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मेरी होगी क्वेश्चन वो, अगर नहीं आई तो फिर जाने दो। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अगेन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें लाइक हर एक चीज़ में फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता था थोड़ा बहुत, बट तुम पढ़ सकते हो, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज वगैरह हैं याद कर लेना, तो एक दो घंटे के अंदर हो जाएगा वो, बट मैं अभी नहीं बोलूँगा, एग्जाम से पहले 3 दिन पहले कर लेना, ठीक है। अभी तुम इन सारे चैप्टर्स पर ध्यान दो, वेक्टर थ्योरी, कॉनिक सेक्शन, प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एओसी और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें कर लिया ना तो तुम्हारी बाकी चीज़ें हो जाएंगी। एक और चैप्टर का ग्रुप होता है, वो होता है लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड ड्यूरेबिलिटी, वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं बट वो इजी है, वो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइक तुम भी किए होगे तो उसमें ज़्यादा कुछ दिखता है नहीं, मतलब इजी ही होता है वो पूरा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ वो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्गर पार्ट हो सकता है, उसको बना सकते हो तुम, क्योंकि वो इजी है यार, बट इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना है एंड क्वेश्चन एक दो आ रहे हैं तो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा था इसमें। फंक्शन से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं बट जो मेजर पार्ट है ना, मेजर पार्ट लाइक 50% से ज़्यादा, लाइक 60% 70% तक का सिलेबस इन चैप्टर्स को कवर करता है जिनकी मैंने बात करी। तो मैथ्स के लिए मैं यही बोलूँगा, बाकी मैथ्स में तुम मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, उससे चीज़ें बहुत रेक्टिफाई होती हैं, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा एंड उसमें भी उन सारी चैप्टर्स की बात करूंगा सही तरीके से कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से एंड कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।